टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए मोमेंटम क्या होता है। तो हम पहले अगर बात करें लीनियर मोमेंटम की, पूरा ध्यान सबका, किसी को याद है वैसे पुराने स्टूडेंट्स को? मास वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम को पी से दिखाते हैं, और लीनियर मोमेंटम का मतलब होता है इट्स मास मल्टीप्लाई बाय इट्स वेलोसिटी। किसी भी मास से अगर हम उसकी वेलोसिटी का मल्टीप्लाई कर दूं, यानी लिखूंगा पी इज इक्वल टू मास यानी एम, वेलोसिटी यानी वी, इसको बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। अब लीनियर मोमेंटम का जो हम अभी करने वाले हैं उसे नाम क्या देते हैं? कंजर्वेशन। कंजर्वेशन क्या है समझना पूरा। इफ इफ रिजल्टेंट रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम इज जीरो देन इट्स लीनियर मोमेंटम remains constant. If resultant external force on a system is zero, then its linear momentum remains constant. अगर किसी भी बॉडी पे बाहर का रिजल्टेंट फोर्स जीरो है तो उसका लीनियर मोमेंटम हमेशा क्या रहता है? कॉन्स्टेंट रहता है। ठीक है, अब इसको मैं तुम्हें थोड़ा एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूँ, समझना पूरा। हम एक बात करते हैं एक सिस्टम की, गन प्लस बुलेट। ठीक है, तुम्हारे पास एक गन है, उसमें बुलेट्स भी हैं। समझो जो गन है उसका मास 1 kg है, मान लो कितना मास है 1 kg, और बुलेट का मास है 50 ग्राम। कितना मास है बुलेट का? 50 ग्राम। तो 1 kg को लिख सकते हैं 1000 ग्राम। yes. तो टोटल मास बता सकते हो कितना होगा सिस्टम का? 1050। ये टोटल मास है पूरे सिस्टम का, दोनों का मिला के। ठीक है, समझो इनिशियली जो वेलोसिटी है वो गन की टोटल जीरो है, मतलब गन स्टेबल है, हमारे हाथ में है। हाँ, बुलेट भी उसके अंदर है, तो गन अगर स्टेबल होगी तो बुलेट भी स्टेबल होगी। तो इसका अगर मैं मोमेंटम फाइंड करूं तो मोमेंटम होगा, इसको बोलेंगे इनिशियल मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। तो जो मास है, मास है तुम्हारा, कितना मास है तुम्हारा? 1 kg। इट्स 1050 टोटल मास। और वेलोसिटी टोटल सिस्टम की कितनी है? जीरो। टोटल मोमेंटम क्या होगा? जीरो होगा। जीरो। ठीक है, अब ध्यान देना। यस। ये मान लो तुम्हारी गन है। ठीक है, अब तुम्हें पता है जब गन का ट्रिगर फायर होता है तो बुलेट आगे जाती है, उस वक्त गन को झटका पीछे लगता है। यस, सिंपल बात है। तो क्या जितनी स्पीड से बुलेट जाती है उतनी स्पीड से गन पीछे आती है? नो नो, सिंपल बात है, क्योंकि बुलेट का स्पीड बहुत ज्यादा होगी, गन की स्पीड क्या होगी? बहुत ही कम होगी। सपोज करो बुलेट की जो स्पीड है वो है 200 मीटर पर सेकंड। कितनी स्पीड है? 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बुलेट गई, और गन जो पीछे आई मान लो उसकी स्पीड है ले ले अगर 10 ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड, उसके कंपेयर में तो बहुत कम होगी। मतलब बुलेट आगे जा रही है 200 की स्पीड से और ये गन पीछे आ रही है 10 की स्पीड से ओनली। ठीक है, बात समझ में आई? तो अब सिर्फ बुलेट का मोमेंटम क्या होगा? तो बुलेट के मोमेंटम को बोलेंगे मास इनटू वेलोसिटी। तो बुलेट का मास कितना था?
50 और बुलेट की वेलोसिटी कितनी है? 200 कितना हो गया ये मल्टीप्लाई? 10,000 अगर हम गन का मोमेंटम देखें तो गन में भी मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन ले लेते हैं. अच्छा गन का मास कितना था? 1000 ग्राम और वेलोसिटी ये भी होता है 10,000 हुआ. लेकिन एक बात डायरेक्शन को ध्यान से देखो अपोजिट डायरेक्शन समझो. इसको हम प्लस मानते हैं तो इसको सिंपल मीटर पर माइनस तो मैं फाइंड करूं टोटल मोमेंटम. फाइनल टोटल मोमेंटम तो टोटल मोमेंट दो होंगे बुलेट का मोमेंटम प्लस गन का मोमेंटम. बुलेट का मोमेंटम है 10,000 गन का है -10,000 टोटल मोमेंटम जीरो. तो देखो इनिशियल कितना था? जीरो. फाइनल कितना हुआ? जीरो. मतलब जितना इनिशियल था उतना ही फाइनल आया. मतलब मोमेंटम रिमेन्स कॉन्स्टेंट. अगर एक्सटर्नल रिजल्टेंट फोर्स किसी भी सिस्टम पे जीरो है तो उसका टोटल मोमेंटम हमेशा क्या रहता है? कॉन्स्टेंट रहता है. समझ में आई? यस सर. एवरीवन क्लियर? अभी जो टॉपिक है उसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. पहले था कौन सा मोमेंटम? लीनियर. अब आता है एंगुलर मोमेंटम. लीनियर. ये जो एंगुलर मोमेंटम है इसका क्या मीनिंग है वो देख लो. पहले मैं तुम्हें एंगुलर मोमेंटम समझा दूं. मास इनटू वेलोसिटी रेडियस. एंगुलर मोमेंटम में उसका जो सिंबल आता है उस सिंबल को हम लोग बोलते हैं एल. एल. और एल का मतलब होता है सिंपल भाषा में मास इनटू वेलोसिटी. ये दो तो होते ही है इनटू रेडियस. और रेडियस. वेरी गुड. इनटू रेडियस तीन चीजें होती हैं. मतलब L is equal to formula में क्या लिखते हैं? mvr. linear momentum में क्या था? m into v था. इसमें होता है mv into r. अब इसमें value क्या change होती है? If the resultant externally जो force है ना, इस force की जगह एक word आता है torque. If resultant external torque on system is zero, then it's angular momentum remains constant. अभी जो word है torque ज़्यादा hard word नहीं है. जब लगने में hard लग रहा है. Torque is a one type of angular force. टॉर्क का जो मतलब होता है उसका मीनिंग क्या होता है? एंगुलर फोर्स. ये एंगुलर फोर्स क्या होता है तुम्हें वो पहले समझना है. पूरा ध्यान. ध्यान दो. ये एक रॉड दिख रही है. Yes. ये बीच में ये फिक्स है. इस रॉड को ऐसे गोल घुमाना है. गोल राउंड मतलब ये इस तरफ यहां से इस तरफ जाना चाहिए और ये इस तरफ इसे गोल घुमाना है. ठीक है. गोल घुमाने के लिए हम यहां से फोर्स लगाएंगे कि यहां से लगाएंगे कि यहां से लगाएंगे में टॉप एंड कि फिर यहां से लगाएंगे यहां से लगाएंगे. कौन सा ज्यादा सूटेबल रहेगा? एंड की बीच में कहीं भी पॉइंट एंड में. सिंपल बात है हम लोग डिस्टेंस ये पूरा ले लेंगे और यहां से फोर्स लगाएंगे एफ. तो ये जो फोर्स और आर का मल्टीप्लाई होता है इस मल्टीप्लिकेशन को बोलते हैं टॉर्क.
और टॉर्क का सिंबल ऐसा होता है उल्टा जे, और इसको बोलते हैं सिंबल को नाम देते हैं टाऊ। क्या नाम बोलते हैं टाऊ? टी ए यू टाऊ, टाऊ का उल्टा टाऊ। टाऊ टाऊ नहीं बोला, इट्स टाऊ। यस सर, टाऊ टाऊ। हाँ, तो ये जो टॉर्क का सिंपल मीनिंग होता है, जब भी किसी चीज को हमें घुमाना होता है तो हम फोर्स हमेशा ऐसे पॉइंट पे लेते हैं जहां पे रेडियस सबसे ज्यादा मिले। तुम्हारे घर में कोई भी डोर होगा तो डोर जिस पॉइंट से कनेक्ट होता है तो उसका हैंडल हम कहाँ लगाते हैं? दूसरे पॉइंट पे लगाते हैं, एंड पे। कभी हैंडल बीच में लगाया है? नहीं, क्योंकि हमें ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी बीच में लगाएंगे तो। सही नमूने से चेंज करना तो हमें एंड पे लगाना पड़ता है। तो डिस्टेंस एंड वाला और फोर्स, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? टॉर्क यानी टाऊ। ठीक है। दूसरी बात, इफ द रिजल्टेंट एक्शन टॉर्क ऑन सिस्टम इज जीरो, देन इट्स एंगुलर मोमेंटम रिमेंस कॉन्स्टेंट। अगर किसी पे टॉर्क नहीं लगता तो उसका एंगुलर मोमेंटम कॉन्स्टेंट होता है, जैसे कि लीनियर मोमेंटम में था। मतलब जो चीजें लीनियर मोमेंटम में थी वही चीजें किस में आएंगी? एंगुलर मोमेंटम में। फर्क इतना है, लीनियर मोमेंटम मोशन लीनियर है और एंगुलर मोमेंटम में मोशन कौन सा है? एंगुलर है। समझ में आया बात? लास्ट पॉइंट समझ नहीं आया, मतलब क्या बोल रहे आप? ऐसा बोल रहा हूँ, जो जैसे लीनियर मोमेंटम में बॉडी मूव कैसे करेगी? स्ट्रेट। हाँ। और एंगुलर मोमेंटम बॉडी कैसे मूव करेगी? रोटेशनल में। रोटेशन में। मतलब दोनों का मीनिंग सेम है, खाली मोशन का टाइप अलग है। एक में स्ट्रेट लाइन है, एक में रोटेशन मोशन है। ओके। फर्क इतना है, लीनियर मोमेंटम हम यूज करते हैं फोर्स, यहाँ यूज क्या करते हैं? हम टॉर्क यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, अर्थ सन के आसपास घूमती है। Yes. सारे प्लैनेट सन के आसपास घूमते हैं तो हम बोलेंगे अर्थ का क्या कांस्टेंट होगा? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि उसके ऊपर बाहर से कोई भी टाइप का टॉर्क अप्लाई नहीं हो रहा, इसलिए उसकी वेलोसिटी ना बढ़ती है ना कम होती है, सेम तरीके से चलती है। समझ में आई बात? यस सर। क्लियर? कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो ये वाला भी एक बार अच्छे से लिख लो।